आइए जानते हैं मॉडल्स क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ये ऑर्डिनरी वर्ब्स के पहले यूज़ किए जाते हैं। कई तरह के मॉडल्स होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड नॉट, वुड, विल, डेयर, शैल। तो कुछ मॉडल्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहला मॉडल मैं ले रही हूँ वो है कैन। कैन में आप देखिए दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला मैंने लिखा है आई कैन मेक डिलीशियस फूड, कि मैं बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ। सेकेंड है आई कुड सिंग इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में अच्छा गाना गा सकता था। तो ये दो सेंटेंस दो टेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आई कैन मेक डिलीशियस फूड, मैं खाना अच्छा बना सकता हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस में है कि वो आज भी अच्छा खाना बना सकता है। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है आई कुड सिंग इन माई चाइल्डहुड, यानी वो बचपन में अच्छा गाना गाता था, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट टेंस में ही अच्छा गाना गाए। और दूसरी बात, वो बचपन में गाता था, पुराने ज़माने में गाता था, ये पास्ट टेंस हो गया। तो जब प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं तो कैन का यूज़ करते हैं, और जब पास्ट टेंस में लगाते हैं तो वहाँ पर जो मॉडल यूज़ होता है उसे कुड का मॉडल यूज़ किया जाता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब इसी तरीके से कैन और कुड का कहाँ यूज़ होता है अगर क्वेश्चन पूछे जाएं। कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई रीड योर बुक प्लीज़, और कुड यू मेक अ कप ऑफ टी प्लीज़। अब आप तीनों सेंटेंसेस देखिए। अगर आई लिखा हो तब वहाँ पर कैन लगा हुआ है, लेकिन अगर यू है सेंटेंस में, किसी दूसरे से आदमी पूछ रहा है और साथ ही साथ प्लीज़ भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पर कुड लिखेगा, ठीक है। और कैन में भी प्लीज़ हो सकता है, लेकिन कैन के साथ वहाँ पर आई का यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर यू लिखा हुआ है और प्लीज़ लिखा हुआ है तो कुड लिखा जाएगा। तो यानी वहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि वो आदमी हमारी बात माने। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल है मे। मे मॉडल वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, कि हमको पता नहीं होता कि ये काम हो सकता है या नहीं। तो कैन और मे दोनों एक जैसे नज़र आते हैं। कैन में ये होता है कि हम कोई काम की पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन वो काम हम कर सकते हैं। जैसे हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं, हम कहीं पर कोई काम, कोई सामान रख सकते हैं। लेकिन मे में क्या होता है कि वो पॉसिबिलिटी का हमको पता नहीं होता कि ये काम होगा या नहीं होगा। जैसे हम अगर कहते हैं किसी से कि बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती, मे इट मे रेन टुडे और नॉट, कि आज बारिश होगी या नहीं होगी कोई इसको बता नहीं सकता। तो मे ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी जगह मॉडल लगता है जहाँ पर संभावना के बारे में कुछ नहीं पता होता है, चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आप सेंटेंसेस देखिए। पहले मैंने लिखा है मे आई कम इन, यहाँ पर कोई किसी से पूछ रहा है कि हम आ सकते हैं या नहीं। तो मे वहाँ भी यूज़ होता है जहाँ पे परमिशन मांगी जाती है, और ज़्यादातर परमिशन मांगी जाती है तो कोई छोटा व्यक्ति अपने बड़े से परमिशन मांगता है, या कोई बच्चा अपनी टीचर से मांगता है, कोई इंसान अपने बॉस से परमिशन मांगता है। और वहाँ पर एक्सक्लामेटरी मार्क अगर लगा होता है तो भी वहाँ पर हम मे लिखते हैं। इसके बाद आप सेकंड सेंटेंस देखिए, मैंने लिया है वन डे मैन मे लिव इन द मॉस, एक दिन इंसान मार्स पर जाकर रहेगा। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी ये है कि इंसान रह भी सकता है या नहीं, कुछ पता नहीं है। अगला सेंटेंस है इट मे रेन टुडे, बारिश आज हो सकती है। तो बारिश के बारे में भी कभी कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि बारिश होगी या नहीं। यहाँ पर मे आई हैव सम वेफर्स, वहाँ पर आदमी परमिशन मांग रहे हैं कि क्या हम ये वेफर्स उठा के खा सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर कोई छोटा इंसान किसी बड़े से पूछता है, परमिशन मांगने में मे का यूज़ किया जाता है। अब अगला मॉडल है मस्ट। मस्ट वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर वो काम हमको करना ही करना है, उसमें ऐसा कुछ भी चॉइस नहीं होता कि हम ये काम करें या ना करें। जैसे आपका सेंटेंस है यू मस्ट स्टडी सिंसियरली, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। फिर है यू मस्ट अटेंड मीटिंग नाउ, आपको ये मीटिंग अटेंड करनी है। वी मस्ट अटेंड मीटिंग टुमारो, हम कल ज़रूर मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए, ये जो मीटिंग नाउ और मीटिंग टुमारो है, यहाँ पर इस सेंटेंस आपको पता चलता है कि जब है यू मस्ट मीटिंग अटेंड मीटिंग नाउ, ये प्रेजेंट टेंस है,
यानी चाहे प्रेजेंट टेंस हो और चाहे फिर अगला है वी मस्ट अटेंड मीटिंग टुमारो, ये फ्यूचर टेंस है। तो चाहे प्रेजेंट टेंस हो चाहे फ्यूचर टेंस हो चाहे हमेशा पढ़ाई करने की बात हो, तो वो काम ज़रूर करना है, उसमें कोई भी इफ़ एंड बट नहीं हो सकती। तो उस केस में जो मॉडल यूज़ होता है वो मस्ट होता है। इसके पहले कैन और मे हमने पढ़ा मॉडल, तो कैन हमारा प्रेजेंट टेंस में, तो उसका पास्ट टेंस जब ये कहीं पर आएगा तो वहाँ कुड लग जाएगा। इसी तरह मे हमारा प्रेजेंट टेंस, उसका पास्ट टेंस कहीं आएगा तो वहाँ माइट लग जाएगा, MIGHT। लेकिन मस्ट एक ऐसा मॉडल है चाहे वो फ्यूचर टेंस में यूज़ हो चाहे प्रेजेंट टेंस में यूज़ हो, वो सब जगह केवल मस्ट ही लिखा जाता है। यहीं पर एक मॉडल और होता है, वो होता है शुड। तो शुड मॉडल में क्या होता है कि हम किसी को एडवाइस देते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन सामने वाले पे ये होता है कि वो ये काम करे या ना करे, उसका कोई पक्का नहीं होता। लेकिन मस्ट में क्या होता है कि आपकी मर्ज़ी नहीं होती, वो आपको काम करना ही करना पड़ेगा। जैसे अब आपके सामने सेंटेंस है वी शुड एक्सरसाइज डेली, तो जो सेंटेंस है वी शुड एक्सरसाइज डेली, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन हमारी मर्ज़ी पर होता है हम एक्सरसाइज करें या ना करें, वैसे हमें करनी चाहिए, तो यहाँ शुड आ गया। लेकिन अगला जो सेंटेंस है यू मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, हमें यूनिफॉर्म में स्कूल जाना चाहिए, तो इसमें कोई चॉइस नहीं होती, हम यूनिफॉर्म में नहीं जाएंगे तो हमें स्कूल से पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से शुड में जहाँ पे हमें चॉइस मिलती है कि हम वो काम करें या ना करें, लेकिन मस्ट में हमारे पास चॉइस नहीं होती। नेक्स्ट मॉडल है ऑट टू। ऑट टू मॉडल वहाँ पर लगता है जहाँ पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमको ये काम करना चाहिए, मर्जी होती है हमारी कि हम वो करें या ना करें, लेकिन वो करना हमारा एक मॉरल ड्यूटी भी होता है। और ज़्यादातर इसकी पहचान क्या है कि अगर आपकी फ्लिंटी ब्लैंक्स है पीछे टू लिखा हुआ है और आपको मॉडल भरना है तो वहाँ आप ऑट भरेंगे। आप सेंटेंस में देखिए यू ऑट टू पे टैक्सेस ऑन टाइम, हमको टैक्स भरने चाहिए समय पर। यू ऑट टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, हमें अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारी ये मॉरल ड्यूटी है कि हमको ये काम करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे मॉडल्स के साथ पीछे टू लगा हो तो वहाँ पर आप शुड नहीं ऑट भरेंगे। इस वीडियो में इतने मॉडल्स के साथ ये वीडियो बंद कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे इस पेज को आप फॉलो करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो मैंने एड्रेस लिखा हुआ है ये एड्रेस मेरे यूट्यूब चैनल का है, जहाँ पर मैंने अलग अलग टॉपिक्स को प्लेलिस्ट बना के अलग अलग कैटेगराइज़ किया है, जिससे आसानी से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पर यूट्यूब पर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक ऊपर टैब लिखा होगा प्लेलिस्ट, उसको जब आप खोलेंगे तो अलग अलग टॉपिक वाइज मैथ्स के, साइंस के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, रीजनिंग एप्टीट्यूड के भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जो कि एकदम इंडियन लैंग्वेजेस में है, हिंदी इंग्लिश मिक्स है। तो आप मेरे उस यूट्यूब चैनल को आप सर्च कर सकते हो, और अगर आपको वो चैनल भी पसंद आता है तो आप उसे